अगर दोस्तों आपको गूगल एडसेंस अपनी वेबसाइट पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा आपकी वेबसाइट में क्या कमी है, किस वजह से वो अप्रूव नहीं हो पा रही है। सारी चीज़ का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए आज इस वीडियो के। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज शो हो रहा है आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो पाई है, किस वजह से नहीं हो पाई है, प्रोग्राम पॉलिसी जो इस गाइडलाइन दी गई है उसको आपकी वेबसाइट फॉलो नहीं करती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट सब कुछ ठीक है, इसमें लेआउट भी काफ़ी अच्छा है, तो ये अप्रूव नहीं हो पाई तो इसका मेन रीज़न क्या है, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देख सकते हैं मैं एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लीन लेआउट है, इंटरफेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों ये क्यों अप्रूव नहीं हुई, इसका मेन कारण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट की कॉपी को लिंक करता हूँ, लिंक को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमें एक वेबसाइट siteliner.com पर, इस वेबसाइट पर हमें अपनी जो लिंक है वेबसाइट के उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने पर गो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेगा, 10 से 20 सेकंड, ये देख सकते हैं स्कैनिंग हो रही है वेबसाइट। तो कुछ टाइम लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसका नॉर्मल पेज 12-13 बता रहा है, जो 13 पेज हैं शायद ही इसमें 51-52 के समथिंग पोस्ट है, लेकिन नॉर्मल पेज ये 13 ही बता रहा है। और में क्या कमी है ये देखिए, स्क्रिप्ट रोबोट .txt ये शो कर रहा है। रोबोट .txt पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर डुप्लीकेट कंटेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% है, डुप्लीकेट कंटेंट भी नहीं इतना ज़्यादा, कॉमन 19 है, यूनिक 71 है, तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ में बता देता हूँ, इसकी जो ब्रोकन लिंक है आप यहाँ देख सकते हैं ब्रोकन लिंक। पहले हम स्किप रोबोट .txt को देख लेते हैं, कौन कौन से ये सब लेवल स्किप किए हुए हैं इसके इसने अभी तक। तो इसमें हम और क्या देखते हैं, जो ब्रोकन लिंक है वो सबसे ज़्यादा इसमें दिए गए हैं, ब्रोकन लिंक की वजह से यह वेबसाइट अप्रूव नहीं हो पाई है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट की जो कमियाँ हैं इस वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट में। यहाँ पर मैं अपनी एक पोस्ट को ओपन करके देखता हूँ जो ब्रोकन लिंक शो कर रही है उसे, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ 5 वे टू कीप योर कार सेफ्टी, ये पेज ओपन होता है या नहीं। तो दोस्तों इस क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रोकन लिंक शो हो रही है, पेज ओपन नहीं हो पा रहा है। तो यही कमी है इसके अंदर, इसमें ब्रोकन लिंक को हमें फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद हमें फिर से गूगल एडसेंस सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद हमें गूगल एडसेंस पर फिर से इसे दोबारा से रिव्यू में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपको एक मैसेज होगा जहां पर देख सकते हैं योर साइट नाउ रेडी टू सर्व ऑन गूगल एडसेंस। तो इस तरह से मैंने ये दोबारा से एडसेंस अप्रूव कर